लेकिन बड़ी जानकारी एक और सामने आ रही है, उससे भी आपको रूबरू कराएंगे। हरियाणा राइस मिलर्स एसोसिएशन की हड़ताल खत्म हो चुकी है। कार्यवाहक सीएम सैनी के आश्वासन पर यह हड़ताल को खत्म किया गया है। प्रदेश की मंडियों में धान उठान की फिर से घोषणा की गई है। भारत सरकार को अनुरोध करेगी राज्य सरकार, मिलिंग शुल्क बढ़ाने पर भी अनुरोध किया जाएगा। शुल्क नहीं बढ़ा तो बोनस दे सकती है राज्य सरकार। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, ड्राइव चार्ज बढ़ाकर 1% करने के अनुरोध करेंगे। आउट टर्न अनुपात को कम करने का भी यहां पर अनुरोध किया जाएगा। तो बताते चले आपको कि सीएम सैनी के आश्वासन पर यह हड़ताल को खत्म कर दिया गया है। हरियाणा राइस मिलर्स की ओर से यह हड़ताल को खत्म कर दिया गया है। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी पवन सीवर चंडीगढ़ से हमारे साथ बने हुए हैं। पवन जी, जिस तरह से आज देखा गया है कि मुख्यमंत्री के आश्वासन पर जो ये हड़ताल था उसको खत्म कर दिया गया है, क्या कुछ मुख्यमंत्री की ओर से आश्वासन दिया गया है? बिल्कुल, देखिए हरियाणा में जो धान की खरीद है वो 27 सितंबर से ही शुरू हो चुकी है। दरअसल धान की खरीद 1 अक्टूबर से शुरू होनी थी, लेकिन हरियाणा सरकार ने केंद्र सरकार से अनुरोध किया था कि मंडियों में धान की आवक जो है वो जल्द शुरू हो चुकी है, लिहाजा खरीद की अनुमति पहले दी जाए। और केंद्र सरकार ने हरियाणा में धान की खरीद की अनुमति 27 सितंबर से दे दी थी। इसके बाद 27 सितंबर से जो धान की खरीद शुरू हरियाणा की मंडियों में हो गई थी, लेकिन राइस मिलर्स एसोसिएशन जो है वो अपने कई मुद्दों को लेकर हड़ताल पर थी। लेकिन चुनाव चल रहा था, चुनाव के बीच में सरकार के साथ कोई बातचीत जो है वो राइस मिलर्स एसोसिएशन की नहीं हो रही थी। हालांकि अधिकारियों ने अपने स्तर पर प्रयास जरूर किए थे, लेकिन राइस मिलर्स एसोसिएशन जो है उसकी नाराजगी बनी हुई थी। अब हरियाणा के मुख्यमंत्री, जो कार्यवाहक मुख्यमंत्री के तौर पर नायब सिंह सैनी जिम्मेदारी संभाले हुए हैं और प्रदेश में आदर्श आचार संहिता चुनाव की हट चुकी है, उसके हटने के बाद नायब सिंह सैनी की राइस मिलर्स एसोसिएशन के साथ बैठक हुई है और उसमें हड़ताल खत्म करने पर सहमति बनी है। हड़ताल जो खत्म होगी उसके लिए जो मुद्दा था उसमें हरियाणा सरकार ने मिलर्स को ये जो उनका मिल्क जो उनका शुल्क है वो जो बढ़ाने की मांग कर रहे थे उसके लिए केंद्र सरकार से बातचीत करने का आश्वासन दिया है। इसके साथ ही उनका जो ड्राइड चार्ज है वो 0.5% से बढ़ाकर 1% करने की उनकी मांग थी, उस पर भी विचार करने का आश्वासन राइस मिलर्स एसोसिएशन को दिया है। इसके बाद राइस मिलर्स एसोसिएशन ने अपनी हड़ताल खत्म करने का ऐलान कर दिया है। यानी सरकार बनी है तीसरी बार बीजेपी की स्पष्ट बहुमत की, अभी सरकार का गठन नहीं हुआ है, मंत्रिमंडल का शपथ समारोह नहीं हुआ है, लेकिन इससे पहले ही मुख्यमंत्री ने राइस मिलर्स एसोसिएशन के साथ बातचीत करके उन्हें मना लिया है, उनकी मांग को केंद्र सरकार के साथ चर्चा करने का आश्वासन दिया है। हरियाणा सरकार जो उनकी मांग को पूरा कर सकती है उस पर भी विचार करके फैसला लेने की बात की है। इसके बाद राइस मिलर्स एसोसिएशन ने अपनी हड़ताल खत्म करने का ऐलान कर दिया है। राइस मिलर्स एसोसिएशन की हड़ताल खत्म होने से किसानों को, सरकार को बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि मंडियों में जो धान की खरीद हो रही है उसके उठान में और ज्यादा तेजी आएगी और किसानों की जो फसल है उसे बिकने में अब किसी तरीके की कोई दिक्कत इस हड़ताल के खत्म होने के बाद नहीं रहेगी और जो ज्यादा तेजी है वो खरीद में अब आ सकेगी। पवन जी, आप बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे।